नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संधि में। आज दोस्तों DLED सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों आपकी परीक्षा है कल, इसलिए सोचा एक इससे संबंधित एक टॉपिक आपको बता दूं और जिससे आपको इससे संबंधित कुछ नॉलेज हो जाए, और इससे संबंधित अगर कुछ आ जाए आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप गलत मत करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर लगाए। सबसे पहले बता दूं, जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। अगर आप DLED सेकंड सेमेस्टर और UPTET कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट आर साउंड्स? देखिए, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, बट द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद देम आर 44 इन नंबर। आउट ऑफ दोस 44 साउंड देर आर 20 वोवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट। साउंड्स हैं 44 होते हैं और उन 44 में 20 वोवल होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। आगे देखते हैं, फॉर दीज 44 साउंड देर आर सिंबल विच लुक लाइक स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश बट दे रिप्रेजेंट साउंड। इन 44 साउंड्स के लिए अलग अलग सिंबल्स दे रखे हैं जो कि स्मॉल लेटर्स की तरह दिखते हैं, लेकिन वो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है, गिव द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन, ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस विथ ईच अदर इज कॉल्ड कंजक्शन। ऐसा शब्द जो दो शब्दों या सेंटेंस को जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है, जैसे एंड, येट, बिकॉज, etc. अगला है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें ही है सब्जेक्ट। व्हाट आर्टिकल विल यूज्ड विथ SDM, तो SDM के साथ एन लगेगा। देखिए यहाँ पर एस है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके साथ ए लग जाएगा। आप SDM को प्रोनाउंस करिए, तो देखिए हिंदी के स्वरों में ये प्रोनाउंस हो रहा है SDM, ऐसे लिखा जाएगा ना, ए से शुरू हो रहा है ना, तो ये स्वर है तो इसके साथ एन का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन सम जनरल ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग सर। देखिए ग्रीटिंग्स आने ही आने आपके एग्जाम में, तो दो तीन याद कर लीजिए और उसमें लिख दीजिएगा, सी यू टुमारो, टेक केयर, गुड बाय, सो नाइस ऑफ यू। व्हाट इज द जेंडर ऑफ मेयर, मेयर का जेंडर क्या है, फेमिनिन। मेयर माने होता है क्या है, और मेयर का मैस्कुलिन जेंडर होता है हॉर्स, और हॉर्स का फेमिनिन जेंडर होता है मेयर। चलिए आगे देखते हैं, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही डाइड ऑफ कॉलरा। ठीक है, जब भी कोई बीमारी का नाम आएगा तो ऑफ होगा, ही डाइड ऑफ कॉलरा। आगे देखते हैं, ईच बॉयज लिव्स हियर स्पेस 3 ईयर्स, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो ईच बॉयज लिव हियर इसके साथ भरा जाएगा फॉर 3 ईयर्स, जब डेफिनेट हो कि हमें पता हो कितने ईयर्स का है तो उसके साथ हमेशा फॉर लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, जॉन पेंटेड द हाउस लास्ट वीक, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, द हाउस वॉज पेंटेड लास्ट वीक बाय जॉन। ठीक है, बाय जॉन द हाउस वॉज पेंटेड लास्ट वीक इसका पैसिव वाइज होगा, द हाउस वॉज पेंटेड बाय जॉन, ठीक है, लास्ट वीक, समझ गए, द हाउस वॉज पेंटेड बाय जॉन लास्ट वीक। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सी इज स्पेस बेस्ट गर्ल इन द क्लास, इसमें क्या भरा जाएगा, ए एन द, तो इसमें भरा जाएगा द। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, राइट द कंपरेटिव डिग्री ऑफ बेस्ट, तो बेस्ट का कंपरेटिव डिग्री क्या होगा, बेटर, ठीक, बेटर, और पॉजिटिव डिग्री होगा गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। आगे देखते हैं, अगला है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो ही वाज प्लेइंग कार्ड, ही वाज नॉट प्लेइंग कार्ड्स हो गया, सिंपल सा है। फाइंड आउट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिलीशियस का बताना है, तो सुपरलेटिव क्या होगा इसका, मोस्ट डिलीशियस, इसके आगे मोस्ट लगा दीजिए। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड, तो रेडियो, ऑडियो एड मतलब जिसमें केवल सुनाई दे। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, रमेश डील्स स्पेस रेफ्रिजरेटर, तो जब भी डील्स आएगा तो डील्स के साथ हमेशा इन का प्रयोग होगा, डील्स इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कंप्लीट द स्पेलिंग्स, तो जो पहला है वो है आपका निगेटिव
और जो दूसरा है वो है आपका पोस्टमैन। इसमें आपको खुद दिमाग लगाना है, ये तो मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ क्वाइट? तो क्वाइट का अपोजिट होगा नॉइज। ठीक, क्वाइट मतलब चुप रहना, नॉइज मतलब शोर। आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट? डेफिनेट में आते हैं द और इनडेफिनेट में आते हैं ए एन। व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट यूज्ड इन लर्निंग ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन? छोटे बच्चे को लिखने सिखाने के लिए किस स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट और कर्सिव स्क्रिप्ट, बोथ, दोनों का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फ्लाई? फ्लाई माने मधुमक्खी, तो फ्लाई का प्लूरल क्या होगा? फ्लाइज। आगे देखते हैं, फाइंड आउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन एनिमल, रीता, फ्रीडम, वुडन टेबल। इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, तो इसकी भाववाचक संज्ञा है इनमें फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें करेक्ट क्या हो रहा है? तो इसमें द की जरूरत नहीं है, केवल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द अननेसेसरी है इसमें। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, विच काइंड ऑफ वर्ब इज यूज इन फॉलोइंग सेंटेंस? ही डांस, तो इसमें क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, व्हाट आर दीज? ऑल्दो, टेल, अंटिल, एंड, येट, अभी मैं पहले भी बता चुका हूं ये कंजक्शंस हैं। चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम अनवेल, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द साइलेंट वर्ड, ये दे रखा है, इसको प्रोनाउंस करते हैं स्कीम, स्कीम, तो आप समझ गए होंगे कौन सा साइलेंट वर्ड है, एच। राइट द मार्क ऑफ कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क आपको लिखना है, तो ये होता है कोटेशन मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राइट द टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, तो ओरल कंपोजिशन और रिटन कंपोजिशन। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंपोजिशन? तो टू डेवलप ऑल द फोर स्किल्स विथ परफेक्शन, बच्चे की चारों स्किल्स मतलब लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सारी स्किल्स परफेक्शन के साथ डेवलप करना। टू प्रेजेंट वंस आइडियाज, थॉट्स, व्यूज एंड इमोशंस लॉजिकली, ब्रीफली, इफेक्टिवली, इन ए रीजनेबल ऑर्डर। तीसरा है, टू हेल्प द चिल्ड्रन अवॉइड रॉन्ग वे ऑफ एक्सप्रेशन। चौथा है, टू प्रेजेंट द आइडियाज इन द सोसाइटी एंड इम्प्रूव सोशल लाइफ। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है टीचिंग कंपोजिशन के। आगे बढ़ते हैं, राइट द वेरियस एक्सरसाइज ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस, तो वेरियस एक्सरसाइज बतानी है आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस की। फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द वर्ड एंड सेंटेंस, जम्बल्ड अप वर्ड्स एंड सेंटेंस, ट्रू फॉल्स, यस नो क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सब्स्टिट्यूशन टेबल। तो ये हैं आपके वेरियस एक्सरसाइज ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिटन कंपोजिशन? तो कंट्रोल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन, मतलब टोटल थ्री हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑन विच कंपोनेंट्स करेक्टनेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड? जो करेक्टनेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो किस पे बेस्ड है? तो साउंड पे, वर्ड्स पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंटेक्स पे और मीनिंग पे। तो इन चारों पर जो इंग्लिश भाषा की शुद्धता है वो बेस्ड होती है। आगे बढ़ते हैं, राइट सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ऑलवेज यूज्ड। देखिए, तो लाफ के साथ हमेशा एट का यूज होगा, डील के साथ हमेशा इन का यूज होगा, अराइव्ड के साथ हमेशा एट का यूज होगा, फेल्ड के साथ हमेशा इन का यूज होगा, टॉकिंग के साथ हमेशा विद का प्रयोग होगा, काइंड के साथ टू का प्रयोग होगा, फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, ये सब फिक्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चार्ज के साथ विद का प्रयोग, प्रिफर के साथ टू का प्रयोग, टेक केयर ऑफ, लुक के साथ इनटू, बॉर्न के साथ टू, वेट फॉर, अफ्रेड के साथ ऑफ, एंग्री के साथ विद, और इंजीनियस के साथ टू, नीट के साथ ऑफ, टू बियर के साथ विद। तो ये सब इतने हैं कि ये फिक्स है, इनके साथ यही प्रीपोजिशन यूज होनी है।
ओके आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु सेज टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अवर वर्क। तो ये किसने कहा है, ये कहा है राय बर्न ने, याद कर लीजिए, आ भी सकता है। ओके दोस्तों, तो ये थे 35 आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इससे रिलेटेड अगर आपके प्रश्न पत्र में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो विशेष प्रश्न है वो देख लेते हैं। आज का विशेष प्रश्न है द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। तो व्हाट इज साउंडली, साउंडली क्या है इसमें बताना है, इस सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडवर्ब, इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।